नमस्कार जी, मैं हां डॉक्टर जिंदर सिंह ते तुसी देख रहे हो पंजाब फुटेज। आओ मारते हैं आज के मुख्य खबरों पे एक नजर। सुच्चा सिंह छोटेपुर खिलाफ कार्रवाई करने तो बाद आम आदमी पार्टी हुण बैकफुट ते आ गई है। एक पासे जिथे छोटेपुर अपने नाल वापरी घटना का दुख सारे सामने रख के पार्टी हाईकमान खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं अते उन्हां दे समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्थे ही दो दिन तक छोटेपुर खिलाफ मोर्चा खोलण वाली पार्टी का दुख नरम पैंदा नजर आ रहा है। भगवंत मान अते हिम्मत सिंह शेरगिल की बयानबाजी तो बाद हुण पार्टी ने रणनीति बदल ली है। बीते दिन चंडीगढ़ विखे मीडिया नाल गलबात करदे सीनियर आगू संजय सिंह ने छोटेपुर खिलाफ कुछ भी बोलन तो इनकार कर दिता। उन्होंने कहना कि हर घर विच भांडे तां खड़कदे ही हन, पर कुछ लोग इसका फायदा चुकन की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो बात भगवंत मान जी ने कही, छोटेपुर जी अभी भी आम आदमी पार्टी में है और किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक टिप्पणी करना, कोई उनके बारे में अपनी व्यक्तिगत राय थोपना ये उचित नहीं है। और इसीलिए पार्टी ने तय किया है कि हम किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक टिप्पणी छोटेपुर जी के संबंध में नहीं कर। कोई फैसला अगर पार्टी करती है उसको एक पार्टी का अनुशासित सिपाही होने के नाते सबको मानना है। जिस प्रकार से पिछले दिनों बयानबाजियां हुई अखबार में, जब घर में बर्तन खनकते हैं, आपस में थोड़ा बहुत मतभेद होता है तो उसका मजा लेने के लिए सारे लोग आ जाते हैं। आज अकाली दल भी मजा ले रहा है। कैप्टन अमरिंदर सर, एक मिनट सर, अपनी बात पूरी कर लूं। तो आज कैप्टन अमरिंदर भी उस लड़ाई में कूद के मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अपना कहना है, पार्टी ने कल एक सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि अभी जब तक ये जांच कमेटी है, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक टिप्पणी पार्टी की किसी लीडरशिप के तरफ से एक दूसरे के बारे में ना की जाए और उसको हम सारे लोगों को उसका पालन करना है। अभी पार्टी का स्टैंड फिलहाल ही। जिक्रयोग है कि आम आदमी पार्टी हाईकमान पंजाब विच हो रही किरकिरी तो बाद हुण होर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, तो दिल्ली दरबार वालों अपनी सारी लीडरशिप नू छोटेपुर खिलाफ शांत रहने का फरमान जारी किया गया है। न्यूज डेस्क तो डॉक्टर रजिंदर सिंह की रिपोर्ट, पंजाब टुडे। आम आदमी पार्टी बेईमाना की पार्टी है। यह दोष हुण अकाली दल जां भाजपा नेता नहीं ला रहे, बल्कि यह दोष हुण आम आदमी पार्टी के पंजाब के अहुदे तो हटाए गए कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर ला रहे हैं। इन्हां गल्लां दा प्रगटावा कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने गुरदासपुर च पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कीता है। मजीठिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीते कुछ महीने तो जो भी काम कर रही है वह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। एक तरीके की उन्होंने मन च बेईमानी सी, बेईमानी का पर्दा बाश कोई होर कोई नहीं कर रहा, उन्होंने अपने बंदे कर रहे। मैं एक दो इंटरव्यू वेखिया ने सुनिया ने, मैनू बड़ी हैरानगी होंदी है। छोटेपुर साहब ये गल कह रहे कि मैं पापा की भंड नू चुकी फिरदा सी। पाप कादा सी कि पंजाब प्रति बेईमानी झलक के तो निकली सी एस वाई एल के मुद्दे से, जदों यू टर्न लिया दिल्ली जाके। सानू सच्चे पातशाह हुक्म करके आ कि गुरु मान्यो, ग्रंथ साडा गुरु है, तो उस गुरु की तुसी तुलना सच्चे किसी कागज नाल करो, वह भी एक झूठा कागज, कितों ही गल्लां बर्दाश्त होनिया सी। ते एक गिनी मिथी साजिश सी, ये मैं क्यों कहना गिनी मिथी साजिश सी, छोटेपुर साहब आप कहिंदे आ। जब उन्होंने केजरीवाल ने गल कही कि तू एडमिट कर लेना सी कि तू लाई है, फिर की गल, कहिंदे जे मैनू पंथ तो कढ देना सी, कहिंदा फिर की हो गया। सो पंजाब प्रति, पंजाबियों प्रति जो बेईमान सोच, एंड मैं अज तक नहीं यह जी शब्दावली सुनी। आइए, एक अफसर रिटायर होया फरीदकोट तो,
किंगड़ा जी उन्होंने की लफ्ज वरते दुर्गेश पाठक ने कि जे जो गुरु साहब ने सानू सरदारियां बख्शियां ने खालसा मेरो रूप है खास खालसे मेहू गुरु निवास उस गुरु की बख्शी हुई सरदारी नू पग नू कदे पगड़ कह देना कदे दाड़े बारे जो अल्फाज मेरे तो शर्म आती वरतदे कि किहड़े अल्फाज वरते सन ते एक ने नहीं कई ने इस गल नू क्लीयर किया। फिर तुसी लास्ट गल टिकटा बेच गई विक दी जेड़े अज इनी बेईमानी विखा रहे है उतना पंजाब के लोगों नाल किस हद तक बेईमान हो सकते है गुरदासपुर तो गुरप्रीत चावला की रिपोर्ट पंजाब टुडे। बीते दिन अमृतसर च छोटेपुर के समर्थकों ते आम आदमी पार्टी के वर्करों में हंगामा हो गया। दरअसल अमृतसर विखे आप दे साबका पंजाब कन्वीनर सुचा सिंह छोटेपुर ते पार्टी के टिकटों की वंड नूं लै के बैठक हो रही थी। इस दौरान आम आदमी पार्टी समर्थक आपस में भिड़ गए। दसया जा रहा है कि इस मीटिंग दौरान आप समर्थक ते छोटेपुर समर्थक हथोपाई भी होए और इस दौरान केजरीवाल एक समर्थक नूं छोटेपुर के समर्थकों ने कटापा भी चाड़ दिता। जो टिकटें बांटी गई है बिल्कुल सही बांटी गई है। मेरा नाम अनिल महाजन है और मैं अमृतसर से हूँ और चार साल से आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ। पोस्टर लगा रहा हूँ, पैम्पलेट बांट रहा हूँ, लोगों को जगा रहा हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा मुझे पदोद्धा नहीं मिला। तो आज ये जो कह रहे हैं ये आम आदमी पार्टी है, इसमें इम्तिहान सभी का होगा। ये दूसरी पार्टियों की तरह ढांचा नहीं है आम आदमी पार्टी का, ये ढांचा आम आदमी पार्टी का है। जो भी बंदे कह रहे हैं कि नहीं बेची गई टिकटें नहीं बेची गई। पार्टी वालों अमृतसर च तीन विधानसभा टिकटा दित्तिया गईया सी, उस संबंध च वर्कर जड़े ने उन्होंने जोनल ऑफिस विखे मीटिंग रखी है। बड़े दिनों तो जदों तो टिकटा अनाउंस होईया सी वर्कर उदों तो ही जड़े दिल्ली तो इतने ऑबजरवर ने उन्होंने तो मैनू कह रहे थे कि असी इकट्ठे होके तुहानू मिलना है। तो मैं उन्होंने आख्या कि टिका जी ऑबजरवर ने रिकमेंड कीतिया ने ते पार्टी ने उ टिकटा दित्तिया ने। जोनल इंचार्ज मैं डेढ़ साल तो इतने जोन का इंचार्ज हाँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं ली। इस करके तुसी जेड़े ऑबजरवर है उन्होंने गल करो, पर ऑबजरवर ने तिने हल्के दे वरंटीयर दी कोई गल नहीं सुनी ते उन्होंने कोई मीटिंग नहीं कीती। उन्होंने मैं पिछले हफ्ते इत्थे जोनल ऑफिस आया ते मेरी गड्डी उन्होंने इत्थे रोक ली। वरंटीयर ने कट्ठे होके आने उन्होंने नाल वरंटीयर ते वो जदों गड्डी रोक ते मैं उन्होंने आख्या भी तुसी सारे कट्ठे होके ते एक मीटिंग करो जिथे भी तुसीं मैनूं सद्दना चाहुंदे हो मैं आउण नूं हाजर हाँ। ते उन्होंने फिर वरंटीयर ने सारे तिने हल्कियां इकट्ठे होके अज दी ये मीटिंग रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री अते श्रोमणी अकाली दल एससी विंग दे प्रधान गुलजार सिंह रणीके वालों अज डेरा बाबा नानक हल्के च एक श्रोमणी अकाली दल दे वर्करां ते पछड़ी श्रेणियां दे अहुदेदारां नाल एक विशेष मीटिंग कीती गई। इस मौके हल्का इंचार्ज सुचा सिंह लंगाह भी उन्हां दे नाल मौजूद सन। इस मौके रणीके वालों वर्करां नूं अकाली दल दीआं पिछले 9.5 साल दीआं उपलब्धियां गिणाईआं गईआं अते दावा कीता कि 2017 दीआं चोणां तों बाद श्रोमणी अकाली दल मुड़ तीसरी वारी सरकार बनावेगा। Thank you.
ਪਾਏ ਨੇ ਅਤੇ 2017 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਦਾ ਮੁੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਰੀ ਬਹੁਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਚੁਣਿਆ। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदियां साबका मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह ने भगवंत मान वालों नीले कार्ड धारकों बारे की गई टिप्पणी से कहा कि भगवंत मान का सिर फिर गया है जिस करके वो अजिहे बोल बोल रहे हैं। मान सिर फिर गया कदे शराब पी के चीजें से चढ़ जाता कदे किसी नूं कुछ बोल दिंदा कदे किसी नूं कुछ बोल दिंदा वो आप फंड नहीं लै रहा सरकार को ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ। आम आदमी पार्टी के आगू भगवंत मान वालों कल चंडीगढ़ च पत्रकारों नाल गलबात दौरान पंजाब दे नीले कार्ड धारकों की तुलना भिखारियों नाल करन ते पंजाब दे नीले कार्ड धारकों विच रोस पाया जा रहा है। नाभा के बाजीगर बस्ती विच नीले कार्ड धारकों वालों भगवंत मान खिलाफ जोरदार रोस प्रदर्शन किया गया अते भगवंत मान का पुतला भी फूकया गया। कार्ड धारकों का कहना है कि भावें वह गरीब हैं पर मेहनत करके अपना जीवन बतीत करते हैं पर भगवंत मान वालों उन्हों की तुलना भिखारियों नाल कर देना निंदन योग है। ਬਿਆਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਐਜ਼ ਲਾਇਕ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਚਾਰ 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਘਰੋਬ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਾਭਾ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਹੋ ਜੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਗਏ 5-5 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਭਲਖਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਕਹੇ ਭਿਖਾਰੀ ਖੁਦ ਆਪ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ। ਨਾਪਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ 4200 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਨਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਪ੍ਰਿਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਪਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੁਲ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ 4200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ये बिल्कुल गलत है जी। इन्होंने काम किया एक दिन उतों इन्हों मैसेज आया भी जो वर्कर जाता वो बेटी का एक्सीडेंट हो गया सानू पैसों की लोड़ हैगी। इन्होंने साढ़े को पैसे ले ले वो पैसे अज रिटर्न किए तो उन्होंने कहता भी इस असी रिश्वत दी है जी। उत्थे काम छड़ के चले गए सके फिर असी भी काम छड़ के आ गए सके। कोई नजायज पैसा नहीं इन्होंने दिता। इनकम चो अद्धा हिस्सा मांगते हो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है जी। मैनू इतने काम करते नूं सिर्फ साल एक होया है ये कोई ज़्यादा काम भी नहीं करते। ये जी अपने जिहड़ा कंप्लेनेंट हैगा अतुल कोहली उन्हें आके इत्थे साढ़े कोल कंप्लेंट की कि भी वह नापतोल महकमे दे विचो उहदे कोल लाइसेंस हैगा उहदे ब्रदर कोल ते वह इसका रिपेयर करता हैगा कंडे वगैरह ते होर इलैक्ट्रॉनिक जिहड़े मीटर हैगे ते उहदे संबंध में 23/8 नूं अहमदगढ़ मंडी विखे एक नापतोल इंस्पैक्टर बलकार सिंह है उन्होंने रहनुमाई हेठ कैंप लाया गया सी ते उहदे विच कोई 8400 रुपए का उन्हें जिहड़े कंडे रिपेयर किए सीगे उहदे उनकोल फीस जमा हुई सी ते उहदे विचों अद्ध 4200 रुपए उन्हें डिमांड किए जिहड़ा इंस्पैक्टर नापतोल बलकार सिंह है उन्हें वालों डिमांड किया गया जो कि उस वेले उहदे कोल किसी जरूरी एमरजेंसी कारण उन्हें बहाना ला के उन्हें पैसे दिते नहीं तो मेरे को अज आके उन्हें कंप्लेंट किया कि भी ये जिहड़ा इंस्पैक्टर हैगा इस तरह के रिश्वत मांग रहा है तो मेरे वालों वेरीफाई करन तो बाद सरकारी गवाहों के हाजरी विच एक विजिलेंस टीम ने उहदे दफ्तर जाके रेड किया तो उत्थे इंस्पैक्टर बलकार सिंह नापतोल विभाग के रंगी हत्थी 4200 रुपए रिश्वत फड़दे हुए गिरफ्तार किए। संगरूर तो कैमरामैन जसवीर मान के नाल हर्ष कौशल की रिपोर्ट पंजाब टुडे। अमृतसर विखे करवाए गए क्रिकेट टूरनामेंट च पहुंचे कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया काफी मूड च नजर आए। इस मौके जिथे एक बार फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी से निशाना साधिया उत्थे ही पत्रकारों नाल गलबात करते हुए व्यंग कसा कि तुसी अखीरला सवाल हमेशा मिसेज सिद्धू वाला ही पुछते हो। मजीठिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस नूं पंजाब च हारन तो कोई नहीं बचा सकता। मजीठिया वालों अमनदीप हॉस्पिटल वालों करवाए गए क्रिकेट टूरनामेंट में शमूलियत की गई सी। जो हालात लगे मैनू लगता है जिहे जिहा छित्रो छित्री मैच इन्हां दा आपस च होण लग्या। भगवंत मान अज छोटेपुर ने की गल आखी जो सारे पंजाब आख रहे बड़े चिर कि भगवंत मान एक उन्हूं ड्रंकड भी कहा ड्रग एडिक्ट भी कहा पता नहीं केड़े केड़े अल्फाज लब्बे। तो आम आदमी पार्टी नौ दा आम आदमी है अंदर तो सारी खतरनाक पंजाब नूं लुट्टण वाले पंजाब नूं बदनाम करन वाले सिखी नूं एक तरीके दे ढान लाउण वाले कि इन्हां दे आप दे लोक इस गल दा खुलासा कर रहे। छोटेपुर साहब जदे गल कर रहे कौन सी हो ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਲਾਈਜ਼ਡ ਐਨ ਉਹੀ ਸੱਚ ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬਣਦਾ ਚੇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆਵੇ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਵਾਂ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਭਰਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਵਿਸ਼ ਦਮ ਵੈਲ ਐਂਡ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਸੀ ਏ ਇੱਥੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਭਜਵਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।